तो आपका जो कोपा का जो फारेनहाइट और सेल्सियस वाला प्रोग्राम था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। तो इस प्रकार से अगर आप यहाँ पे इनपुट करेंगे वैल्यू को, जैसे मान लीजिए आपका टेम्परेचर है सेल्सियस में, मान लीजिए 24 है, तो 24 का इक्वल टू करेंगे तो 17.5.2 डिग्री फारेनहाइट में आपका कैलकुलेट होके आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सॉफ्टवेयर डिजाइन करना था जो आपको उसमें दिया गया है। एक में आपका टेक्स्ट लगाना था, दूसरे में टेक्स्ट और एक में कैलकुलेशन की बटन लगानी थी। तो इस प्रकार से आप बनाकर दिखा सकते हैं, इसको नीचे कर सकते हैं, सेंटर में कर सकते हैं, राइट में कर सकते हैं, जिस भी दिशा में आप करना चाहें। बेसिकली मैं सेंटर में आपको समझा दिया, तो इसका कोड मैंने आपको लिख दिया है, तो वो वीडियो आप देखें, पूरी वीडियो आपको समझ आएगा। थोड़ी मिस्टेक भी हुई है वीडियो में, तो वीडियो को आप समझ लें। जो अंत का कोड होगा सबसे आखिरी में, आप उसको देखें, क्योंकि मिस्टेक होती है राइट करते समय, तो वो आपके साथ भी हो सकती है। तो मैंने करेक्शन कर दिया है। बेसिकली दो मिस्टेक हुई है, एक फंक्शन में मिस्टेक हुई है, तो फंक्शन को मैंने स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी, और दूसरी बटन में, दोनों को मैंने करेक्शन कर दिया। आप वीडियो को देखें, समझ में आ जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर कर दें, क्योंकि जो भी स्टूडेंट है, और इसके बाद जो एक प्रैक्टिकल बचा हुआ है उसको भी मैं आपको बता दूंगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।
Thank you.